Well, ma'am, congratulations. Thank you. आप क्या बताना चाहेंगे आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में? प्रोजेक्ट के बारे में यही बताना चाहूँगी कि मेरी पहली फिल्म है विंटर टेल एट शिमला एंड इट्स अ वेरी स्वीट मैच्योर लव स्टोरी. Really enjoyed doing it. It was a great team to work with, great director, great co-actors, and looking forward to the release now. लोकेशन तो बहुत ही बढ़िया था. ऑलमोस्ट एक महीने के लिए हम लोग शिमला में थे, सो वेदर वॉज ऑल्सो ब्यूटिफुल. ठंडी में गए थे, सो बहुत बहुत मज़ा आया शूटिंग करते हुए. मुझे तो छुट्टी नहीं थी वैसे, लेकिन जब भी एक दो तीन बार जब पैकअप जल्दी हो गया था या कुछ कैंसिल हो गया था, तब मैं रेडी होके चली जाती थी बाहर. ऐसा एक कोई पल नहीं है, बहुत एवरी डे वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फन. जैसे शूटिंग के बाद हम सब लोग इकट्ठे होते थे और एक साथ डिनर करते थे, पूरी कास्ट और डायरेक्टर एंड हिज फैमिली, सो इट हैड बिकम लाइक वन बिग हैप्पी फैमिली. तो बहुत मज़ा आता था. स्टोरी तो एक मैच्योर लव स्टोरी है, लेकिन इसमें सब फ्लेवर्स है. जैसे कि लव स्टोरी है तो रोमांस है ही, थ्रिलिंग है, थोड़ा सस्पेंस है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, स्वीट है, तो ज़रूर देखिए. अभी तक तो जो है मेरे सामने जो मैंने किया है वो तो पहले मतलब रोमांटिक बहुत सारे किए हैं शोज़ मैंने, तो वैसा ही ये रोमांटिक रोल है. ऑफकोर्स इसमें बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स हैं, तो वही किया है, अलग तरीके से किया है. एज ग्रुप जैसे पहले मैंने किया है वो एज ग्रुप नहीं है, थोड़ा अलग एज ग्रुप है. लेकिन आगे अभी जो रोल्स आएंगे उस हिसाब से हर कैरेक्टर के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, तो वो जब आगे आएगा तब देखेंगे. बहुत ही अच्छा ग्रुप था हमारा, सारे को एक्टर्स. मैं आधे से ज़्यादा लोगों को तो जानती थी. जो मेरे हस्बैंड प्ले कर रहे दीपराज जी, उनको मैंने नहीं, उनके साथ कभी काम नहीं किया था. ऋतुराज वॉज वी विथ मी इन कुटुम्ब जब मैंने मेरा पहला शो किया था, तो आई नो हिम वेरी वेल, वो मेरे पास में ही रहते हैं. इंद्रनील को ज़्यादा नहीं पहचानती थी, बट ऑफकोर्स आई न्यू ऑफ हिम. तो बहुत अच्छा मिक्स एंड मैच स्टारकास्ट था और बहुत मज़ा आया काम करने में. बात की जाए आपके कैरेक्टर की, तो आप अपने कैरेक्टर किस तरीके से तो बहुत ही स्ट्रेट. तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मेरा यंग कैरेक्टर दिखा है जो किसी और ने प्ले किया है, और फिर जो मेन रोल है मेरा वैदेही का, वो ऑफकोर्स मैंने प्ले किया है, लेकिन बीच बीच में फ्लैशबैक्स जाते रहते हैं. तो जब वो यंग होती है तो शी इज़ फुल ऑफ लाइफ और बहुत बबली है, सबको बहुत पसंद है, ऐसा कैरेक्टर है. लेकिन वट एवर शी गोज थ्रू इन लाइफ, द सर्कमस्टांसेस, द पर्सन शी गेट्स मैरिड टू, हाउ शी चेंजेस. बट जो पहले वाली वैदेही थी वो सब अंदर कहीं छुप गई है, तो वो अपने फैमिली के लिए कैसे बदलती है, एंड व्हेन द लव ऑफ हर लाइफ कम्स बैक इन टू हर लाइफ, फिर कैसे चेंजेस होते हैं. ये स्टोरी के हिसाब से बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया था, तो आई होप आई हैव डन जस्टिस टू इट. एंड मैम, जब ट्रेलर देखा आपके फैंस ने, आपके जो भी चाहने वालों ने, आपको किस तरीके से रिप्लाई, तो क्या रिप्लाईज आप तक पहुँचे? बहुत सारे रिप्लाईज आ रहे हैं, एवरीबडी इज़ रियली एक्साइटेड. जो भी पीवीआर देखने जा रहा है तो उस फोटो और वीडियोज़ लेकर भेज रहा है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड फिंगर्स क्रॉस्ड.